Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys Sri Sanvin. You are watching Sun Nonstop. The guys, again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है इंडिया एक्सप्लोर अल्टरनेटिव बुलेट ट्रेन इन यूरोप, और बुलेट ट्रेन के लिए भाई इंडिया भरपूर कोशिश कर रहा है और जो है वो उसके ऊपर काम होता हुआ भी हम लोगों को नजर आता है। सारी चीजें सारी बातें वीडियो के अंदर जाके पता चलेंगी। मैं अपनी राय वीडियो के जो है वो लास्ट पर दूंगी और साथ साथ भी जो है मैं अपना रिएक्ट करती रहूंगी, ठीक है? तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। साल 2015 से भारत में चल रहे एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर एक के बाद एक नई मुसीबतें आ रही हैं, और हाल ही में उस प्रोजेक्ट पर एक और नया मोड़ आ गया है, जिस मोड़ को झेल पाना रेगिस्तान से पानी निकालना जितना ही कठिन है। हम बात कर रहे हैं बुलेट ट्रेन की, जिसे मुंबई और अहमदाबाद के बीच दौड़ाने का सपना पिछले 9 या 10 सालों से देखा जा रहा है। हालांकि केवल सपना ही नहीं देखा जा रहा है, बल्कि पिछले कई सालों से इस प्रोजेक्ट पर जापान की तकनीकी सहायता से भारत की दिग्गज कंपनियां काम कर रही हैं। यहां तक कि बुलेट ट्रेन के लिए जो हाई स्पीड कॉरिडोर बनाया जा रहा था उसका कंस्ट्रक्शन लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन इसी बीच चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है कि जापान की तरफ से भारत में आने वाली बुलेट ट्रेन के लिए नई दिक्कतें पैदा हो गई हैं। वैसे तो भारत में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट 2022 में कंप्लीट हो जाना था और उसी साल हाई स्पीड बुलेट ट्रेन भी भारत में चलाई जानी थी। यहां तक कि जापान भी इस बात पर राजी था कि 2022 में भारत को बुलेट ट्रेन जापान के द्वारा भेज दी जाएगी। लेकिन साल 2024 बीतने को है, फिर भी जापान ने अभी तक भारत में बुलेट ट्रेन नहीं भेजा है, जिससे बुलेट ट्रेन चलाने का प्रोजेक्ट काफी ज्यादा लेट होता जा रहा है। और खबर निकल कर आ रही है कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चलाने के लिए अब जापान के अलावा दूसरे देश में भारत को मौका तलाशना पड़ रहा है, जिससे यह सवाल खड़ा होने लगा है कि क्या जापान ने बुलेट ट्रेन के मामले में भारत को धोखा दे दिया है, या फिर जापान भारत को बुलेट ट्रेन देना ही नहीं चाहता। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। आई थिंक सो वो देना ही नहीं चाह रहा होगा। बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके इंडिया फिर आगे चला जाएगा ना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो एक सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। असल में देखा जाए तो यदि किसी भी देश को विकास की राह पर ले जाना है और उसे विकसित देश बनाना है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि दो डेस्टिनेशन के बीच की यात्राओं के समय को कम किया जाए, क्योंकि कोई भी बिजनेस, व्यापार से रिलेटेड मीटिंग करना हो या फिर अपनी जरूरत के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर आना जाना हो, इसके लिए ज्यादातर ट्रेन या फिर बसेस का इस्तेमाल अफोर्डेबल वही होता है, क्योंकि इनका जो किराया होता है वह एक हिसाब से बहुत ही कम होता है। लेकिन वाकई में देखा जाए तो इस समय भारत का जो ट्रैवल और ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वह काफी धीमा है, क्योंकि आज के समय जिस हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था है और वह दुनिया भर में अपनी अहमियत रखता है, ऐसे में ट्रैवल सिस्टम और भी ज्यादा फास्ट होना चाहिए, तभी ट्रैवल में खर्च होने वाले फिजूल समय को बचाकर सही जगह उपयोग में लाया जा सकता है। और इसी ट्रैवल सिस्टम को आसान और तेज बनाने के लिए साल 2015 के समय ही भारत में बुलेट ट्रेन को मुंबई और अहमदाबाद, इन दोनों शहरों के बीच चलाने का सपना देखा था। हमने बुलेट ट्रेन को इसलिए चुना क्योंकि हमारे पास हाई स्पीड की ना तो कोई ट्रेन थी और ना ही ट्रेनों को चलाने के लिए हाई स्पीड कॉरिडोर को विकसित करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद थी। भारत की जो कंपनीज रेलवे में काम भी कर रही थीं, उनके पास मुश्किल से 100 या 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन को डेवलप करने की टेक्नोलॉजी थी, इसलिए भारत के रेलवे डिपार्टमेंट और ट्रेन प्रोजेक्ट में ऑलरेडी काम कर रही सरकारी और प्राइवेट स्वामित्व वाली कंपनियों ने जापान की बुलेट ट्रेन बनाने वाली कंपनी हिताची और कावासाकी के साथ मिलकर मुंबई और अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पर काम करने का फैसला लिया। वैसे तो हम बुलेट ट्रेन के लिए यूरोप के भी कुछ देशों की कंपनियों के साथ काम कर सकते थे, लेकिन हमने जापान के साथ काम करने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि जापान खुद भी इस प्रोजेक्ट में भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार था, जिससे ओवरऑल भारत की काफी कम लागत में ही काम हो जाता। इस परियोजना के लिए उस समय जो प्लान बनाया गया था उसके मुताबिक इसमें अनुमानित लागत
1.08 लाख करोड़ रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट होने वाला था। भारत और जापान ने 2015 में ही बुलेट ट्रेन डील पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें जापान ने खुद इस बात को मेंशन किया था कि ट्रेन अधिकतम 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी, जिसमें मुंबई और अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे से कम समय में तय करेगी। और साथ में यह भी फाइनलाइज किया गया कि 2022 में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके बुलेट ट्रेन दौड़ा दिया जाएगा। इसके बाद साल 2017 में दोनों देशों ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया, जिसमें जापान तकनीकी और फाइनेंशियल सहायता देने लगा, जिसकी मदद से भारत की कंपनियां खुद इसमें जापान के साथ काम करने लगी। बीच में COVID-19 आ गया, जिसके कारण इस प्रोजेक्ट में देरी हो गई, जिससे साल 2022 बीत गया और बुलेट ट्रेन दौड़ाने का सपना सपना ही रह गया। लेकिन उसके बाद इस प्रोजेक्ट पर तेजी के साथ काम करना शुरू किया गया, और आज के समय बुलेट ट्रेन के लिए कंस्ट्रक्शन का जो ज्यादातर और कठिन काम था वह पूरा हो गया है, और जल्द ही कुछ दिनों में यह कॉरिडोर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हाल ही में जब इसका ट्रैक लगभग बिछाया जा चुका है और कॉरिडोर कंप्लीट होने पर है, तो शायद जापान ने भी चालाकी दिखाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच इस कॉरिडोर पर 18 बुलेट ट्रेन चलाई जानी है, और 18 बुलेट ट्रेनों के लिए जापान और भारत के बीच में 7000 करोड़ की डील फाइनलाइज हुई थी, जिसमें न सिर्फ इन बुलेट ट्रेनों को भारत में भेजना था, बल्कि इसके साथ साथ इसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करने की डील हुई थी, ताकि आगे चलकर बाकी की बुलेट ट्रेन भारत में खुद बनाई जा सके। लेकिन वो अपना टेक्नोलॉजी क्यों देंगे? लेकिन बीच में ये सुनने को आया कि जापान अपनी बात से मुकर रहा है और इतने पैसे में बुलेट ट्रेन देने के साथ साथ टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं है। और यह बात सितंबर महीने की है, जब बुलेट ट्रेन संबंधी इन्हीं मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जापान गए थे। लेकिन जापान के साथ बुलेट ट्रेन को लेकर जो मुद्दे थे वह सुलझने के बजाय और भी ज्यादा बिगड़ गए, क्योंकि रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जापान की बुलेट ट्रेन बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि अगर भारत को उनके द्वारा बुलेट ट्रेन लेना है तो उसमें और भी ज्यादा देरी लग सकती है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो साल 2022 में ही बुलेट ट्रेन आने की डील फाइनल हुई थी, लेकिन इतनी देरी होने के बावजूद भी जापान की तरफ से एक के बाद एक बहाने बताए जा रहे हैं। लेकिन भारत नहीं चाहता कि इस प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा देरी हो, इसीलिए अब भारत ने इसके लिए अल्टरनेटिव ऑप्शन तलाशना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारत इसके लिए यूरोपीय सप्लायर की ओर देख रहा है, क्योंकि यूरोप में भी कई ऐसे सप्लायर हैं जो कि बुलेट ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। यानी कि अगर बुलेट ट्रेन यूरोपीय देशों से खरीदी गई तो जापान के सप्लायर को काफी ज्यादा घाटा हो जाएगा। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि जापान भारत को सीधे तौर पर मना कर रहा है कि वह बुलेट ट्रेन नहीं देंगे, बल्कि जब हाल ही में रेलवे मिनिस्टर जापान गए थे तो जापान ने यही कहा था कि चाहे जो हो जाए, लेकिन वह खुद भारत को बुलेट ट्रेन और उसका सिग्नल सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, और साथ ही टेक्निकल सपोर्ट भी भारत को दिया जाएगा। फिलहाल भारत ने दूसरे देशों में तो बुलेट ट्रेन के लिए मौका तलाशना तो शुरू कर दिया है, लेकिन इसका एग्जैक्ट कारण क्या है इसे खुद भारत ने नहीं बताया है। बाकी आपको क्या लगता है कि इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है कि भारत को यूरोपीय देशों में बुलेट ट्रेन के लिए देखना पड़ रहा है? मुझे समझ आ कमेंट में जरूर बताएं। मैं आपको और इस वीडियो वाकई बहुत अच्छी, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी का मसला आ जाता है ना, मतलब वो कोई भी एक चीज किसी ने बनाई है, ठीक है, अब वो जो चीज है वो तो अपनी बुलेट ट्रेन जो है वो इंडिया को बेच देंगे, ठीक है, जितने भी उनके अंदर पैसे तय हुए हैं, बट फॉर्मूला कौन देगा? टेक्नोलॉजी का मसला होता है कि अगर टेक्नोलॉजी साथ ले ली तो फिर इंडिया खुद से वो चीजें जो है वो बनाना शुरू कर देगा, और जो चीज जापान को जो है वो सही नहीं लगेगी बिकॉज उनकी मार्केट डाउन चली जाएगी। बिकॉज इंडिया तो आप लोगों को पता है जिस तरीके से रैपिडली जो है वो
ग्रो कर रहा है ट्रेन्स के अंदर, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, उनकी जो है वो जितनी भी इंडियन रेलवेज हैं आप वो देख ले किस तरीके से तरक्की कर रहे हैं। और वंदे भारत अभी तक सबसे ज्यादा हाई स्पीड वाली, इसके बाद अब बुलेट ट्रेन आएगी। तो आई एम डैम श्योर कि अगर जापान से उनको कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली इतनी बड़ी मार्केट है पूरी दुनिया के अंदर, तो वो किसी और से वो चीज से परचेज कर लेंगे। लेकिन अब जापान चाहेगा भी नहीं ना कि वो किसी और से ये चीज परचेज करे, बिकॉज एक उनका एक बहुत बड़ा कस्टमर जो है वो चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से मेन मुद्दा और मेन मसला जो है वो टेक्नोलॉजी सेल करने का था, कि तरीका बता दिया तो फिर भाई क्या ही पीछे रह गया। वो मुझे एक बात याद आ गई कि एक मैजिशियन होता है और वो ना किसी को कहता है कि भाई मुझे ना मतलब वो ना मैजिशियन जो होता है ना वो सब उसके पास आते कहते हैं हमें मैजिक सिखाओ मैजिक सिखाओ हमें। तो उसका बेटा होता है, उसने अपने बेटे को भी जो है ना वो मैजिक नहीं सिखाया होता। तो जब वो जो है वो मरने लगता है तो अपने बेटे को तब मैजिक सिखाता, तो अपने फादर को बोलता है कि तुमने अब क्यों मुझे मैजिक सिखाया, ये तो मतलब लाइक तब से मैं बोल रहा हूँ आपने तब तो नहीं मुझे मैजिक सिखाया। तो वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें सिखा देता तुम दूसरों को सिखा देते। फिर ऐसे फिर इस तरीके से वो मैजिक की जो है ना वो कदर नहीं होती, वो देखने वाले जो है ना हर किसी को हर चीज आ जाएगी तो फिर देखने वाले कम पड़ जाएंगे ना। अब जैसे हर किसी बंदे ने यूट्यूब चैनल खोल लिया तो फिर हमारे जो वॉचर्स जो होते हैं वो कहाँ से आएंगे। तो ये चीज होती है कि हर किसी को हर चीज बताना भी जो है वो अच्छी बात नहीं होती। तो खैर आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है और मेरी बातों के बारे में क्या कहना है, डू कमेंट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलिए क्या नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।